पुराने मारपीट के मामले में पूर्व सरपंच के बेटे का नाम हटाने से आक्रोशित रतनपाली गांव के 300 से अधिक ग्रामीणों ने सरिया थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने सरिया टीआई ध्रुव मारकंडे के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पुराने मारपीट के मामले में पूर्व सरपंच के बेटे का नाम हटाने से आक्रोशित रतनपाली गांव के 300 ग्रामीणों ने सरिया थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने सरिया टीआई ध्रुव मारकंडे के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सोमवार की सुबह 11 बजे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के समर्थन में थाने का घेराव करने पहुँचे ग्रामीणों का कहना था कि थाने में पूर्व सरपंच गोपाल के बेटे का नाम इस केस से हटा दिया है, साथ ही मामले को कमजोर करने के लिए धाराएं भी कम कर दी है। ग्रामीणों के आक्रोश को देख मामले को शांत करने एसडीओपी गरिमा द्विवेदी को सामने आना पड़ा। एसडीओपी ने ग्रामीणों से कहा कि वे स्वयं मामले की जांच करेंगे, वहीं दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद ही मामला शांत हुआ। एसडीओपी की समझाइश से भले ही ग्रामीण शांत हो गए, लेकिन उन्होंने एसडीओपी को इस मामले का निराकरण करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वरना आंदोलन की चेतावनी दी है। आज से 6 महीना पहले हमारे पड़ोसी गांव रतनपाली में घर में घुसकर मारपीट के हैं रात को, और जिसकी खबर हमारे थाने में दिए हैं और उसका कार्रवाई सही नहीं हो पा रहा है। और महिलाओं को घर में घुस के मारना बहुत गलत चीज़ है, और हम लोग चाहते हैं, गांव वालों के समर्थन हम लोग सब चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। कौन है आरोपी जो मार पीटते हैं? पराग पटेल। कौन से गांव का? रतनपाली। पिछले 6 माह पूर्व एक घटना घटित हुई थी रतनपाली में, जिसमें कुछ गुंडे लोगों के द्वारा लाइट बंद करा दिया गया और मारपीट घर में घुस के की गई थी, जिसमें काफ़ी गंभीर चोट आई थी। उस चोट के लिए FIR कराया गया, उसमें धारा जुड़ा 456, 323, बहुत सारे धारा जुड़े हुए थे। जांच के दौरान उसमें ऐसा कुछ आया कि उसमें धारा 456 को हटा दिया गया और उसका जो मुख्य आरोपी पराग पटेल था उसके नाम को भी हटा दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जो धारा जुड़ी हुई थी वो हटी कैसे? हम लोगों ने और पता किया तो कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि उसमें जो 325 लगाया गया है उसके जगह जो घटना घटित हुआ है उस हिसाब से 326 लगना था, लेकिन पुलिस लेन देन करके उसको 325 लगाई है और 326 को उसमें जोड़ा ही नहीं गया है। आप लोग सैकड़ों कांग्रेसी यहाँ पे धरना पे बैठे हुए, कांग्रेस की सरकार है, फिर ये कदम उठाना क्यों पड़ रहा है? नहीं, हम लोग ग्रामवासियों का सपोर्ट करने आए हैं। हमारे पार्टी का कोई वो नहीं है। गांव वाले बैठे हैं और बोले कि हम लोग को मदद चाहिए आप लोग का, और ऐसा ऐसा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम लोग गांव के समर्थन में आए हैं। ये पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। सरिया थाने का एक प्रकरण है 3-4 माह पूर्व का रतनपाली का, जिसमें दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और मारपीट की घटना हुई थी, तो पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसी मांग को लेके रतनपाली के लोगों के द्वारा थाने का घेराव किया गया और मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि आगे की विवेचना जो है और जो भी कार्रवाई है वो मेरे द्वारा की जाएगी और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो होगी और जो भी आरोपी है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एक नाम जो है सामने आ रहा है, वो नाम क्या है? 9 आरोपी हैं। 9 आरोपियों में सभी का नाम तो मुझे अभी, मैंने डायरी देखी नहीं है, मैं डायरी देखने के बाद बता पाऊंगी कि उसमें 9 आरोपी कौन कौन है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।